नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में जो ईपीएफओ ने जो आंकड़े जारी किए गए हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना रोजगार बढ़ा है, तो इसी के बारे में ईपीएफओ ने खुलासा किया है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल में रोजगार में जो है वो कितनी वृद्धि हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है इसको जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको इसी तरह से टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो रोजगार में बढ़ोतरी हुई है तो ईपीएफओ ने इसके बारे में खुलासा करते हुए बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है 3 गुना रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि इस साल अक्टूबर महीने में संगठित क्षेत्र में रोजगार सूचन जो है वो पिछले साल के अक्टूबर महीने के मुकाबले 2.81 लाख से बढ़कर करीब 3 गुना होकर 8.27 लाख पर पहुंच गया है। यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों में दी गई है। यहाँ पर इसके बारे में आगे बताया है कि ईपीएफओ के पेरोल आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 के बाद अगले 14 महीनों में रोजगार के कुल 79.16 लाख अवसर सृजित किए गए। ईपीएफओ ने कहा कि सितंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच उसकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इस दौरान करीबन 79.16 लाख नए अंशधारक जुड़े। इससे पता चलता है कि रोजगार के ये नए अवसर इन्हीं 14 महीनों के अवधि में सृजित हुए। हालांकि इस आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2018 तक की 13 महीने की अवधि में रोजगार सृजन 79.48 लाख से पूर्वानुमान की तुलना में 10.81% कम रहा है। इसी तरह सितंबर 2018 महीने के लिए यह 9.73 लाख के पूर्वानुमान से 5.5% कम रहा है। सितंबर 2018 में अक्टूबर 2018 की 14 महीने की अवधि में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित हुए। रोजगार के सबसे कम 1.59 लाख अवसरों का सृजन मार्च 2018 में हुआ। अक्टूबर 2018 के दौरान सृजित हुए अवसरों में सर्वाधिक 2.32 लाख अवसर 22 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सृजित हुए। इनके बाद 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के लिए रोजगार के 2.22 लाख अवसर सृजित किए गए। संगठन ने कहा है कि आकलन में अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें पूरे साल काम नहीं मिले। तो यहाँ पर ये जो ईपीएफओ ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले जो है वो इस साल में अक्टूबर महीने तक जो है वो करीबन 3 गुना ज्यादा रोजगार जो है वो मिला है। तो इसी के बारे में ये जो खुलासा किया गया ईपीएफओ के द्वारा, तो आज हमने इस वीडियो में जाना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ के द्वारा दी गई थी रोजगार में जो बढ़ोतरी हुई है, तो इसके बारे में अभी हमने यहाँ पर जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये जो डिटेल आर्टिकल है इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे जो है अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अभी मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।